चिकित्सकों की एक टीम गुरुवार को टुंडी रोड स्थित सदर विधायक के आवास पहुंची और विधायक सुदेव सोनू को एक मुख्यमंत्री के नाम पत्र सौंपा। यहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गिरिडीह ब्रांच और झांसा के तहत डॉक्टर की टीम सदर विधायक को मुख्यमंत्री के नाम यह पत्र सौंपकर समस्याओं से रूबरू कराया। पत्र के माध्यम से बताया गया कि राज्य सरकार के सरकारी डॉक्टर जिन्हें एनपीए नहीं मिलता है, उनके सरकारी ड्यूटी के बाद भी प्राइवेट प्रैक्टिस और आयुष्मान योजना से किसी प्रकार के मरीजों का इलाज करने पर सरकार द्वारा पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही सभी सरकारी डॉक्टरों से डिक्लेरेशन मांगा गया है कि वह किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से जुड़े नहीं, वह केवल अपना क्लिनिक चला सकते हैं, उसमें भी किसी मरीज को भर्ती नहीं कर सकते। इस दौरान विधायक ने मुद्दों को भलीभांति समझकर हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोगों की मांगे जायज है, इसको लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। इसी दौरान उन्होंने इस मुद्दे को लेकर स्वास्थ्य सचिव से टेलीफोनिक बात कर इन नियमों को बदलने का आग्रह किया है। मालूम हो कि 7 अगस्त को रांची में सारे सरकारी डॉक्टर इकट्ठा होकर सामूहिक इस्तीफा देने की बातें भी कह चुके हैं। इस बाबत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विद्याभूषण ने कहा कि सरकार द्वारा जारी पत्र डॉक्टरों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत को लेकर सदर विधायक को अवगत कराने के लिए हम सभी पहुंचे हैं, जिस पर विधायक ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कागजातों को देखकर उचित निदान की बातें कही है। मौके पर डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर बीएमपी राय, डॉक्टर राजेश चंद्रा आदि चिकित्सक मौजूद थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गिरिडीह ब्रांच और झांसा के तहत आज हम लोगों ने अपने गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू जी से मुलाकात किया। उनके द्वारा हम लोगों को समय दिया गया था, 9 बजे हम लोग वहाँ पर गए। उनसे हम लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा है। झांसा के जो सरकारी डॉक्टर जो हैं, बातचीत और उनकी बात से ये आश्वासन हम लोगों को आई एम ए और झांसा के सदस्यों को हुआ कि उनके बातचीत से ये आगे एक समस्या का समाधान निकल जाएगा और हम लोगों को भी और जनरल पब्लिक को भी कोई आगे आने वाली समस्या ना होगी। इसके लिए हम लोग अपने माननीय विधायक को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने तत्पर कार्रवाई करते हुए इमीडिएट एक्शन लिया है और इस पर इम्प्लीमेंट करने का आश्वासन दिया है। कैसे, क्या विषय था सर? ऐसे विषय क्योंकि ये सरकारी नौकरी से संबंधित विषय है तो हमारे झांसा के सदस्य हैं डॉक्टर राजेश हैं, डॉक्टर दीपक, या विस्तार से आपको बता देंगे। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया है सरकारी डॉक्टरों को कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, और साथ में जो आयुष्मान मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके तहत भी वो भी किसी भी प्रकार के मरीजों का इलाज नहीं कर सकते हैं। जबकि ये नियम पहले से लागू है कि जिस भी सरकारी डॉक्टरों को एनपीए नहीं मिलता है वो प्रैक्टिस करने के लिए फ्री हैं ड्यूटी आवर के बाद, और वो आयुष्मान योजना के तहत किसी भी अस्पताल में अपने मरीजों का इलाज कर सकते हैं, वहाँ मरीजों का ब्लॉकेज कर सकते हैं। लेकिन इस पर पूर्णतः सरकार के द्वारा पाबंदी लगा दी गई है, जिसको लेकर डॉक्टरों में काफ़ी आक्रोश है और ये एक तरह का तुगलकती फरमान है। तो जिसके वजह से अभी पिछले महीना से इसी महीने के 7 तारीख को रांची आईएमए भवन में सारे डॉक्टरों ने एक सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोला था, और जिसमें ये बोला गया था कि अगर ये तुगलकती फरमान को वापस नहीं लिया गया तो सभी डॉक्टर सामूहिक इस्तीफा देंगे। लेकिन अभी माननीय विधायक जी से मिलने के बाद उन्होंने इस बात से काफ़ी हम लोग को अवगत कराया कि आपके इस समस्याओं का समाधान हम जल्दी से जल्दी निकालेंगे, और उन्होंने तुरंत विभाग के मुख्य सचिव से बात करके इस बात का पूरी तरह से निष्पादन करने का भरोसा दिया, जिसके लिए हम लोग विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और नमन करते हैं।